कैसे हो आप सब। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं बोर्ड टू नीट सीरीज में सॉल्यूशन चैप्टर का पार्ट नंबर 5। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो तो आप इस कार्ड पर क्लिक करके उसे विजिट कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में अपन ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टार्ट किया था, उसमें से अपन ने 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो कर ली थी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एक लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और करनी है जो कि क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर करने से पहले अपन ये समझते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है। तो देखो, ऑस्मोसिस को समझने के लिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं अच्छे से। यहां पर मैंने नीचे की तरफ इस कंटेनर में सॉल्वेंट फिल कर रखा, प्योर सॉल्वेंट, जैसे कि वाटर फिल कर दिया, और ऊपर एक थिसल फनल के अंदर सॉल्यूशन फिल कर रखा है। क्या कर रखा है? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में सॉल्वेंट वही होना चाहिए, जैसे NaCl का पानी में मिलाकर एक सॉल्यूशन तैयार कर लिया और बाहर प्योर वाटर ले लिया। ठीक है, तो बाहर तो क्या है, प्योर वाटर, और अंदर की तरफ क्या है, सॉल्यूशन। और इन दोनों को सेपरेट करते हुए जो रेड कलर वाली मार्किंग है वो SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को शो कर रही है। अगर आप में से नहीं पता है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है, तो सेमी परमेबल बोले तो आधी परमेबल, आधी बोले तो ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के लिए परमेबल होती है, उसको अपने अंदर से गुजरने देती है, लेकिन सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को अपने अंदर में से पास नहीं होने देती। उसका कारण होता है कि सॉल्यूट के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के कंपेयर में कंपेरेटिवली ज्यादा बड़े होते हैं। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वो होती है जिसमें से सॉल्यूट के मॉलिक्यूल पास नहीं हो सकते, लेकिन सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो है वो पास हो सकते हैं। ठीक है, अब अपन ने इन दोनों को सेपरेट कर लिया। जैसे ही अपन ये करते हैं तो यहां से प्योर सॉल्वेंट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होता हुआ किसके अंदर जाने लगता है, सॉल्यूशन के अंदर जाने लगता है। ये मूवमेंट जो है वो ऑस्मोसिस कहलाता है। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। कहां से कहां की तरफ जाना चाहिए, प्योर सॉल्वेंट से किसकी तरफ जाना चाहिए, सॉल्यूशन की साइड में जाना चाहिए थ्रू SPM, उसे अपन क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, अब इस वाली एक्टिविटी में जब अपन ये एक्टिविटी करना स्टार्ट करेंगे, मान लेते हैं कि अंदर सॉल्यूशन की मार्किंग ये है, उसके बाद में जब अंदर की तरफ सॉल्वेंट मूव करेगा तो सॉल्यूशन क्या लेवल जो है वो बढ़ेगा। मान लो नई मार्किंग आती है यहाँ पर, तो ये जो राइज हुआ है लेवल के अंदर, जो बढ़ोतरी हुई है, इसको मान लेते हैं एच हाइट तक हो रखा है। तो एच रो जी फॉर्मूले में पुट करके अपन ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल सकते हैं, जहां एच क्या है हाइट, रो क्या है डेंसिटी, और जी अपने क्या है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, एच रो जी रखकर अपन ऑस्मोटिक प्रेशर को फाइंड कर सकते हैं। हालांकि ये फॉर्मूला अपन या केमिस्ट्री में इस्तेमाल नहीं करेंगे, केमिस्ट्री में अपन दूसरा फॉर्मूला निकालेंगे अभी CRT करके, वो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस फॉर्मूले से भी ऑस्मोटिक प्रेशर निकाला जा सकता है अगर ऐसी ही अपन को डेटा प्रोवाइड करवाया जाए कि एक एक्सपेरिमेंट में इतनी हाइट तक लेवल ऊपर चढ़ा है, सॉल्यूशन जो है या सॉल्वेंट का जो अपने क्या कहते हैं डेंसिटी है वो गिवन हो, तो अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अपन को एक और चीज नोट करनी है कि जब अपने ऑस्मोसिस होता है उस समय सॉल्वेंट कहां से कहां की तरफ जाता है, प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहा हूं, वो कहां से कहां की तरफ जाएगा। तो एक तरफ अगर प्योर सॉल्वेंट फिल कर रखा है, एक तरफ सॉल्यूशन फिल कर रखा है, तो सॉल्वेंट या जनरली केस में वाटर होता है, वो प्योर सॉल्वेंट से किसकी तरफ मूव करता है, सॉल्यूशन की साइड में मूव करता है। लेकिन मान लेते हैं कि एक तरफ सॉल्यूशन फिल कर रखा है और दूसरी तरफ भी सॉल्यूशन ही फिल कर रखा है, और सेम ही कंपाउंड का सॉल्यूशन, जैसे एक तरफ NaCl का कंपाउंड सॉल्यूशन है तो दूसरी तरफ भी NaCl का सॉल्यूशन है। फर्क यह है कि एक तरफ कंसंट्रेशन कम है और एक तरफ कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो किस तरफ से किस तरफ जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब मैं कहता हूं कि एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है तो उसमें सॉल्यूट कम होता है, कौन होता है, मतलब इन दोनों को अगर कंपेयर करें, और मैं लिख रहा हूं कि ये लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है, मतलब इन दोनों के अंदर कंपैरेटिवली सॉल्यूट कम है इसमें, और इसमें सॉल्यूट क्या है ज्यादा, तो सॉल्वेंट उल्टा होगा, जिसमें सॉल्यूट कम होगा उसमें सॉल्वेंट ज्यादा होगा। मैं नीचे लिख दिया, यहां हायर सॉल्वेंट होता है और यहां कम है सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट अपनी ज्यादा अमाउंट से कम अमाउंट की तरफ जा रहा है। इसका मतलब कंसंट्रेशन वाइज, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन वाइज देखा जाए तो लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से सॉल्वेंट कहाँ जाता है, हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ जाता है। ऐसा उल्टा लग रहा है, उल्टा हो नहीं रहा, क्योंकि लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ज्यादा होता है और हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कम होता है, चीजें अपनी ज्यादा अमाउंट से कम अमाउंट की तरफ जा रही है। ठीक है,
अब बात आती है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जो अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उसको समझने के लिए डायग्राम लेते हैं। देखो इस तरफ अपन ने सॉल्वेंट फिल कर रखा है और इस तरफ अपन ने सॉल्यूशन फिल कर रखा, और बीच में ये जो ग्रीन कलर का जो अपन ने शो कर रखा है ये अपनी है एसपीएम। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। हाँ एक और चीज, एसपीएम जो होती है वो कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं एसपीएम के, तो देखो अपनी बुक में एक पिक्स ब्लैडर दे रखा है, पर्चमेंट पेपर दे रखा है, ये दो नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। इसके अलावा एक सेलोफेन और सेल्युलोज एसीटेट, ये दो कंपाउंड और दे रखे हैं जो सिंथेटिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। इस तरफ सॉल्वेंट फिल किया, इस तरफ सॉल्यूशन फिल्ड किया और दोनों को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया। तो अपन जानते हैं इस तरफ से सॉल्वेंट से होता हुआ सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट मूव करने लगेगा। अब मैं इस फ्लो को रोकना चाहता हूं तो ऑब्वियसली थिंग है इस तरफ मुझे क्या लगाना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो मैं इस तरफ प्रेशर लगा रहा हूं, एक प्रेशर ऐसा होगा जो मैं जब सॉल्यूशन की साइड पे लगाऊंगा तो ये फ्लो रुक जाएगा। ठीक है, तो जिस प्रेशर पर सॉल्यूशन साइड पर लगाया गया वो एक्सटर्नल प्रेशर जिस पर ये सॉल्वेंट इधर से इधर ना आए उससे अपन क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अब एक और चीज, ये मैंने दोनों तरफ PATM क्यों लिखा, देखो एटमॉस्फेयर तो सबके ऊपर लगता है तो इस प्रेशर तो दोनों की तरफ लग रहा है, उसके अलावा अपन को और प्रेशर लगाना पड़ेगा इस फ्लो को रोकने के लिए। तो जितना प्रेशर लगाने पर ये सॉल्वेंट का फ्लो इस तरफ आना रुक जाए उसे अपन क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से कम प्रेशर लगाएंगे तो सॉल्वेंट इधर आ सकता है, हाँ पहले के कंपेयर में कम टेंडेंसी से आएगा पर आएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर लगाएंगे तो ये आना रुक जाएगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा लगा देंगे तो इधर से इधर जाने लग जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसे अपन रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, जिसे अपन आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, एक्सटर्नल प्रेशर, और किस तरफ लगाते हैं वो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड, किस तरफ लगाएंगे, सॉल्यूशन की साइड में लगाएंगे, जो क्या करेगा जस्ट प्रिवेंट, मतलब वो प्रिवेंट करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लगाना अपन को, जस्ट प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट ड्यू टू ऑस्मोसिस, उसे अपन क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई इक्वल टू CRT, ये अपनी बुक में डायरेक्ट दे रखा है। अगर आप कुछ बुक रेफर करोगे तो उसमें ऐसे दे भी रखा हो सकता है कि पाई जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, पाई जो है वो अपने टी पर डिपेंड करता है, और फिर दोनों का प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटा के CT लिखेंगे, फिर यहाँ प्रोपोर्शनल का जब सॉरी दोनों को एक साथ CT लिखेंगे फिर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाएंगे तो SCT लिखेंगे, और S क्या होता है, सॉल्यूशन कांस्टेंट होता है, क्या होता है, सॉल्यूशन कांस्टेंट। बाद में प्रैक्टिकली पता चला कि इसकी वैल्यू R के बराबर ही होती है, तो SCT की जगह CRT लिखने लगे, मतलब S की जगह R लिखने लगे। अपनी बुक में ये फॉर्मूला डायरेक्ट दे रखा है, अपन को डायरेक्ट याद करना है, अपन को वैसे भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कोई डेरिवेशन आते नहीं है। तो पाई इक्वल टू CRT, जहाँ C की जगह कंसंट्रेशन पुट करेंगे और ये कंसंट्रेशन हमेशा मोलेरिटी होगी। ठीक है, तो अपन इसको कैपिटल MRT भी लिख सकते हैं, जो कंसंट्रेशन की टर्म होगी वो हमेशा मोलेरिटी में होगी, R गैस कॉन्स्टेंट होंगे। ठीक है, और टी क्या होगा, टेम्परेचर, टेम्परेचर को आप हमेशा केल्विन में लेंगे। अब अपन जब भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, लास्ट वीडियो में भी अपन ने तीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की थी और तीनों ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से अपन ने मोलर मास निकाला था, तो इससे भी मोलर मास निकालेंगे। अब मोलर मास निकालने के लिए क्या करेंगे, वापस यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, पाई इक्वल टू CRT। ठीक है, कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, सॉल्यूट के मोल अपॉन वॉल्यूम, ये क्यों किया, मोलरिटी निकालने का यही तरीका होता है, R और T। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूट के मोल कैसे निकालेंगे अपन, सॉल्यूट का मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, और RT की जगह RT और V की जगह V, इसको इधर लेके चले जाएंगे, इसको इधर लेके आ जाएंगे, तो MB का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, WB RT अपॉन पाई V। ठीक है, ये मोलर मास का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक अपन ने चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, चार फॉर्मूले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के खुद के थे, जैसे रिलेटिव लोअरिंग का जो था एक फॉर्मूला था, ΔTB का फॉर्मूला था, ΔTF का फॉर्मूला था, और पाई का खुद का फॉर्मूला, और चार ही फॉर्मूले उसके मोलर मास निकालने के फॉर्मूले। एक चीज आप नोट करना, ये काम आएगी इसी चैप्टर में,
कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मोलर मास निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसमें हमेशा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नीचे की तरफ आती है। देखो जब अपने रिलेटिव लोअरिंग वाला वेपर प्रेशर वाला डेरिवेशन किया, अगर आपको उसका फॉर्मूला याद है तो उसमें भी एमबी में वो नीचे की तरफ आया था, डेल्टा टीबी भी नीचे की तरफ आता है, डेल्टा टीएफ भी नीचे की तरफ आता है, पाई भी नीचे की तरफ आता है। तो ये कंसेप्ट बना ले, अभी काम आएगा कि जो मोलर मास होगा वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के जस्ट इनवर्स होगा। नीचे आ रहा है तो उल्टा रिलेशन हो जाएगा, अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा आएगी तो मोलर मास कम आएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम आएगी तो मोलर मास ज्यादा आएगा। ठीक है, तो ये अपने चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई। अब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय ऑस्मोटिक प्रेशर इज वाइडली यूज्ड बाय प्रोटीन एंड अदर मैक्रोमोलिक्यूल और बायोमोलिक्यूल। पहले तो ये भी एक क्वेश्चन है अपने आप में, ये स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, इसका क्या मतलब है। अगर आपको किसी बायोमोलिक्यूल का मोलर मास निकालना, मतलब सॉल्यूट एक कोई बायोमोलिक्यूल है या कोई पॉलीमर है या कोई बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल है, और अगर आपको उसका मोलर मास निकालना है तो आप चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से ऑस्मोटिक प्रेशर का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले तो आपको अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बायोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल या पॉलीमर के मोलर मास निकालने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का। फिर आपको कारण भी पूछा जा सकता है कि क्या कारण होता है, तो तीन कारण है। पहला कारण है कि मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज अराउंड रूम टेम्परेचर। जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है उसका मेजरमेंट जो होता है वो रूम टेम्परेचर के अराउंड हो जाता है, जबकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट एक्सट्रीम कंडीशन होता है, या तो बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर पे या बहुत ज्यादा ज्यादा टेम्परेचर पे। इस पे मैक्रोमोलिक्यूल या बायोमोलिक्यूल जो है वो खराब हो सकता है। तो अपन को रूम टेम्परेचर वाली कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चाहिए थी, और ऑस्मोटिक प्रेशर का पूरी रीडिंग आप रूम टेम्परेचर पे निकाल सकते हो, तो जो मैक्रोमोलिक्यूल आप सॉल्यूशन बनाओगे वो सही रहेगा, खराब नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है मैग्नीट्यूड ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज हाई इवन फॉर अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर आप एक बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन बना लेते हैं और उसके लिए चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालते हैं, और मैं सिर्फ नंबर नंबर पे ध्यान दूं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर की रीडिंग अच्छी खासी आती है, बाकी सबकी रीडिंग इतनी कम आएगी कि उससे अपन मोलर मास निकालने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए भी ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा आता है। और लास्ट है कि मोलेरिटी का इस्तेमाल किया जाता है, मोलेलिटी के। बाकी सारे केस में आपने देखा होगा कि सारे, जैसे पहले केस में अपन मोल फ्रैक्शन निकाल देते हैं, मोल फ्रैक्शन से मोलेलिटी अपने आप निकल जाती है, और बाकी दो डेल्टा टीएफ और डेल्टा टीबी जो है मोलेलिटी का इस्तेमाल करते हैं, जबकि ये किसका इस्तेमाल करता है, मोलेरिटी। और जब आप ऐसे किसी भी चीज का जैसे बायोमोलिक्यूल या मैक्रोमोलिक्यूल का सॉल्यूशन बनाते हैं तो वॉल्यूम बेस्ड अपन को क्या चाहिए होती है, कंसंट्रेशन टर्म चाहिए होती है, और वॉल्यूम बेस्ड कंसंट्रेशन टर्म कौन सी होती है, मोलेरिटी। और मोलेरिटी का इस्तेमाल करने वाली सिर्फ ये एक ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसीलिए भी मैक्रोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल और पॉलीमर के लिए अपन किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑस्मोसिस का। तो अगर आपको दो क्वेश्चन है ध्यान से सुन लो। पहला क्वेश्चन, अगर आपको पूछे कि इन सब के लिए मोलर मास निकालने के लिए किस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का। क्यों करते हैं, तो आपको ये तीन कारण लिखने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन कि 200 सेंटीमीटर क्यूब का एक एक्वस सॉल्यूशन है, इसका मतलब वॉल्यूम कितना दे रखा है अपने, 200 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इस 200 सेंटीमीटर क्यूब को अगर अपन लीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये अपने लीटर में आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे दे रखा है प्रोटीन कंटेन 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन का सॉल्यूशन है उसमें 1.26 ग्राम प्रोटीन है, इसका मतलब सॉल्यूट का मास दे रखा है अपन को कितना दे रखा है, 1.26 ग्राम। टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन। ठीक है, और ऑस्मोटिक प्रेशर भी दे रखा है 2.57 × 10⁻³ बार। अब आर क्या लेंगे, तो ध्यान से सुनना, आर अपन वॉल्यूम और जो अपने ऑस्मोटिक प्रेशर है या जो प्रेशर होगा उसकी यूनिट के हिसाब से लेंगे। यहाँ पर वॉल्यूम है लीटर में और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो किस में दे रखा है, बार में। तो आर की वो वैल्यू लेंगे जो बार और लीटर में होगी, तो जो कौन सी है, 0.083 लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, अब अपन को मोलर मास निकालना है, तो मोलर मास का फॉर्मूला लगा दिया, कौन सा, ऑस्मोटिक प्रेशर वाला। अब इसमें सबकी वैल्यू पता अपन को, डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी है 1.26, आर की वैल्यू कितनी है 0.083, ठीक है, और टी की वैल्यू कितनी है अपन को 300। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 2.57 × 10⁻³।
वॉल्यूम कितना दे रखा है 0.2, इन सब को पुट करके आप सॉल्व कर लेना। सॉल्व करोगे तो मैं आंसर बता देता हूँ, आंसर कितना आएगा 6100 ठीक है, ग्राम पर मोल। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ भी अलग नहीं है। कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर करना है, अपन को ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, इस बार पाई निकालना है, तो सीआरटी फॉर्मूला लगा देंगे। अब इसके लिए अपन को जो जो डेटा चाहिए वो सब दे रखा है। देखो 1 ग्राम पॉलीमर, इसका मतलब सॉल्यूट का मास दे रखा है, मोलर मास भी दे रखा है सॉल्यूट का। ठीक है, इन दोनों को यूज करके अपन मोल निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी दे रखा है, तो वॉल्यूम दे रखा है 450 ml, तो लीटर में करेंगे तो 0.45 लीटर हो जाएगा। टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, केल्विन में बदलेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब बस क्वेश्चन देखो, मेन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, ये कह रहा है कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल। इसका मतलब आपके पास दो चॉइस है, या तो आप आर जो है वो पहले से ही वो पुट करें जो पास्कल के फॉर्म में हो, या फिर पहले आप ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल लें। जैसे अभी वाली यूनिट लेकर अगर निकालेंगे तो अपना आंसर जो आएगा बार में आएगा, और लास्ट आंसर को आप बार से पास्कल में बदल दें। मैंने यहाँ आर की सारी वैल्यू लिख दी, अगर लीटर और एटीएम के हिसाब से चाहिए तो आर की वैल्यू होगी 0.0821। ठीक है, अगर लीटर और बार के फॉर्म में चाहिए तो 0.083। अगर जूल और मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स के फॉर्म में चाहिए तो 8.314। और अगर पास्कल लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स के चाहिए तो 8.314, या तो किलो पास्कल बोल लो या 8.314 10^3 पास्कल बोल लो। तो मैंने ये वाली डेटा इधर पुट कर दिया, बाकी तो आप सॉल्व कर लेना खुद ही। ठीक है, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 12W/V सॉल्यूशन ऑफ अ केन सुगर। उसका अपन को मॉलिक्यूलर वेट भी दे रखा है और टेम्परेचर भी दे रखा है। ठीक है, तो अपन जो जो चीजें दे रखी है वो पहले लिख देते हैं। देखो तो पहली चीज जो अपन को दे रखी है वो दे रखा है 12W/V%। इसका क्या मतलब है, 12 ग्राम तो हो जाएगा सॉल्यूट, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, डब्ल्यू बी की वैल्यू हो जाएगी। और 100 ml क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, इसका मतलब ये किसकी वैल्यू होगी, V की वैल्यू। अपन को कह रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर निकालो, तो उसके लिए R चाहिएगा। R अपन कौन सा यूज कर लेंगे, 0.083, ये कौन सा वाला है, बार वाला है, तो आंसर भी किस में आएगा, बार में आएगा। ठीक है, टेम्परेचर अपन को दे रखा है, कितना दे रखा है, 17 डिग्री सेंटीग्रेड, तो केल्विन में बदलेंगे तो 273 इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो 290 केल्विन आ जाएगा। अब अपने एकदम सिंपल सा पाई इक्वल टू क्या पुट करना है, सीआरटी, सी की जगह अपन क्या पुट करेंगे, मोल, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम और आरटी। ठीक है, मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 तो इसका मास है, मोलर मास जो है अपन को क्वेश्चन में दे रखा है 342, तो ये 342। वॉल्यूम भी अपन को क्वेश्चन में पता चल गया 12% से, ये 100 रख देंगे, ये ml में है इसलिए अपन ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे। R की वैल्यू कितना रखेंगे, 0.83। अब याद रखना, या 0.0821 करोगे तो जो आंसर होगा वो आपके ATM में आ जाएगा। ठीक है, गलत नहीं है वो भी, ठीक है, बस आप यूनिट का ध्यान रखें, और 290 इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो 28.44 बार हो जाए। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और लेते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन, और ये किसके बेसिस पर है, कंपेरेटिव बेसिस पर है। दो सॉल्यूशन की अपन को ऑस्मोटिक प्रेशर को कंपेयर करना है, और उसके बेसिस पर अपन तीन टर्म दे सकते हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। आप ये तीनों टर्म कंसंट्रेशन के बेसिस पर भी दे सकते हैं। अपने इस चैप्टर में किसके बेसिस पर दे रखा है, ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पर। ये मानते हैं एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ए, ये बी सी डी तीन और सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन ए की कंसंट्रेशन है सी और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई। ये एक और सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन है C1 और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई 1। अगर इन दोनों में रिलेशन देखूं तो कंसंट्रेशन इस वाली कंसंट्रेशन से ज्यादा है, और कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा। मतलब इस वाले सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इस वाले सॉल्यूशन से ज्यादा है, ऐसे सॉल्यूशन को अपन कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा, अगर आप किन्हीं दो सॉल्यूशन को कंपेयर कर रहे हो, या फिर अगर सेल के रेस्पेक्ट में अपन बात करें, जैसे कोई लिविंग सिस्टम है तो सेल के रेस्पेक्ट में किसी सॉल्यूशन को कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे वाले से ज्यादा है तो जिसका ज्यादा है उसे हाइपरटोनिक कहेंगे। अगर यही एक सॉल्यूशन होता है जिसकी कंसंट्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर इस सी और पाई से कम होती, यहाँ पर मैंने ज्यादा कर दिया है, अगर कम होती
मतलब सी टू सी से कम है और पाई टू पाई से कम है, ऐसे सॉल्यूशन को आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक कौन सा होता है? जिसमें कंपेरेटिवली कंसंट्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है। हाइपोटोनिक कौन सा होता है? जिसमें कंसंट्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर कंपेरेटिवली कम होता है। अब एक और सॉल्यूशन ले रहे हैं, इसकी भी कंसंट्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है, लेकिन ये कंसंट्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर इस वाले के बराबर है, इक्वल, मैंने ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में लगा दिया। अगर ये इक्वल हो तो ऐसे सॉल्यूशन को अपन क्या कहेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे? आइसोटोनिक। अब अगर मैं एक आरबीसी की बात करूं तो आरबीसी के लिए अगर मुझे एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन तैयार करना हो जिसकी कंसंट्रेशन आरबीसी के अंदर की कंसंट्रेशन के बराबर हो, तो उसकी रीडिंग आपको याद रखनी है, वो होता है 0.9%। और कौन सा? मास वॉल्यूम परसेंटेज। कौन सा होता है? डब्ल्यू बाई वी परसेंटेज। किसका? NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब है? आपको 100 ml जो है सॉल्यूशन बनाना है जिसमें 0.9 ग्राम आपका क्या होना चाहिए? NaCl होना चाहिए। एक ऐसा सॉल्यूशन तैयार करें तो उसकी कंसंट्रेशन या उसका ऑस्मोटिक प्रेशर आरबीसी या ब्लड प्लाज्मा, मतलब सॉरी ब्लड प्लाज्मा के बराबर हो जाएगा उसका। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये तो ये आपको एक याद रखना है। एक देखो, अगर मैं किसी सेल को, जैसे ये एक सेल थी, और उसको आइसोटोनिक में पुट करूंगा तो ना तो पानी अंदर आएगा, ना पानी कहां जाएगा? बाहर जाएगा। लेकिन अगर एक सेल को मैं किस में पुट करूं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में पुट करूं। अब अपन समझते हैं, सेल ली और मैंने उसको हाइपोटोनिक में रखा, बाहर की तरफ कैसा है? हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक कौन सा होता है? जिसमें कम है। कौन कम होता है? सॉल्यूट कम होता है। तो सॉल्वेंट क्या होगा? ज्यादा होगा। और सॉल्वेंट ज्यादा होगा तो बाहर ज्यादा है तो वो सेल के अंदर आने लगेगा, इसे अपन कहेंगे एंडोऑस्मोसिस। जैसे अगर मैं आरबीसी को एक ऐसे सॉल्यूशन में पुट करूं जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 0.9 डब्ल्यू बाई वी परसेंटेज से ज्यादा है, ठीक है, सॉरी कम है, तो फिर वो क्या होगा? एंडोऑस्मोसिस होने लगेगा। और एंडोऑस्मोसिस की वजह से जैसे जैसे पानी अंदर आता जाएगा, आरबीसी क्या होती जाएगी? फूलती जाएगी, फूलती जाएगी, और फूल के क्या हो जाएगी? फट जाएगी, तो बर्स्टिंग शो करेगी। ठीक है, उल्टा लेते हैं, अगर एक सेल को मैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में पुट करूं, हाइपरटोनिक क्या होता है? जिसमें बाहर की तरफ सॉल्यूट जो होगा वो ज्यादा होगा। सॉल्यूट ज्यादा होगा तो सॉल्वेंट क्या होगा? कम। और सॉल्वेंट कम होगा तो सेल के अंदर का पानी कहां चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। इसको कहेंगे एक्सोऑस्मोसिस। जैसे कि एक बैक्टीरियल सेल जो होती है कभी भी सॉल्टेड मीट पर ग्रो नहीं करती, कैंडिड फ्रूट पर, मतलब ऐसा फ्रूट जिसके ऊपर शक्कर डाल रखी हो उस पर ग्रो नहीं करती। और क्यों नहीं करती? क्योंकि अगर बैक्टीरिया सॉल्टेड मीट या वो सॉल्टेड सॉल्यूशन में ग्रो करेगी तो बाहर की तरफ जो सॉल्यूशन है सॉल्ट या शुगर की वजह से क्या है? हाइपरटोनिक है। तो बैक्टीरिया के अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म होगा उसके अंदर का पानी कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। और वो जाने लगेगा तो खुद ही श्रिंक होकर क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। ठीक है, ये सब आप याद रखें। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, एक दे रखा है कि x परसेंट डब्ल्यू बाई वी यूरिया सॉल्यूशन है और वो आइसोटोनिक है 30% ग्लूकोज सॉल्यूशन के साथ, फाइंड x। तो एकदम बेस में कभी कभी बच्चे एकदम बहुत बचकानी हरकत करते हैं, वो सोचते हैं कि जब ये आइसोटोनिक है तो इसका मतलब कंसंट्रेशन क्या होगी? बराबर होगी। और कंसंट्रेशन बराबर है तो अगर ये 30% है तो ये भी क्या हो जाएगा? x भी 30%। लेकिन ऐसा नहीं। देखो, मैंने कहा था आपको कंसंट्रेशन बराबर है, और अपन इस पूरे टॉपिक में कौन से कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं? मोलेरिटी की बात कर रहे हैं। और ये जो दे रखा है वो w बाई वी परसेंटेज दे रखा है, तो दोनों की क्या बराबर होगी? मोलेरिटी बराबर होगी, ना कि w बाई वी बराबर होगा। तो आप दोनों ही सॉल्यूशन की क्या कर सकते हैं? मोलेरिटी बराबर कर सकते हैं। तो m यूरिया उसको आप बराबर कर सकते हैं किसके? जो दूसरा वाला है, जो कि कौन है? m ग्लूकोज, इसके बराबर कर सकते हैं। अब ये वाला जो सॉल्यूशन है वो है x परसेंटेज, और ये वाला जो सॉल्यूशन है वो कितना है? 30%। और w बाई वी है, w बाई वी का क्या मतलब है? अगर ये 30 ग्राम लू कौन? ग्लूकोज, तो उसके अंदर वॉल्यूम कितना होगा? 100 ml। और इसमें अपन को x है, तो अगर मैं x ग्राम यूरिया लेता हूं, ठीक है, x ग्राम यूरिया लेता हूं, तो क्या होगा? 100 ml सॉल्यूशन होगा। अब अपन मोलेरिटी निकालते हैं। मोलेरिटी निकालने के लिए क्या करते हैं? ऊपर पुट करते हैं मोल, किसका पुट करेंगे? यूरिया का। और नीचे क्या पुट करेंगे? वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है इसका? 100 ml, ठीक है, और किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? 1000 से। इस तरफ भी ऐसे ही करेंगे, इस तरफ अपन पुट करेंगे ग्लूकोज का,
नीचे क्या पुट करेंगे 100 ml और किससे मल्टीप्लाई कराएंगे 1000 से। अब ये सब तो कट जाएंगे, इधर बचेगा n यूरिया इक्वल टू क्या बच जाएगा n ग्लूकोज। मोल कैसे निकालते हैं अपन, मास अपॉन मोलर मास, मास कितना है x, क्योंकि x ही है पता नहीं अपन को, और मोलर मास यूरिया का मोलर मास आप किस फॉर्मूले से निकाल सकते हो NH2CONH2, आप निकाल के चेक कीजिएगा 60 आएगा, कितना आएगा 60। और दूसरी तरफ अपन को किसका मोलर मास रखना है, पुट करना है ग्लूकोज का। ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 30 अपॉन, इससे निकालेंगे तो कितना जाएगा 180, ठीक है 30 अपॉन 180। अब यहां पर इसको ट्रांसफर कर देते हैं, इधर कर देते हैं, x इक्वल टू 30 अपॉन 180 इंटू क्या हो जाएगा 60, जीरो से जीरो कट जाएगा, 6 से ये 3 टाइम्स कट जाएगा, ये आपके आ गया 10। तो कितना ग्राम डिजोल्व कर रखा होगा, सॉरी कितना परसेंटेज कर रखा होगा 10%, ये कितना है 10%, ठीक है। नेक्स्ट, अभी अपन ने देखा था रिवर्स ऑस्मोसिस, तो मैंने आपको ऑस्मोसिस क्या बताया था, एक तरफ अगर अपन सॉल्वेंट फिल करते हैं, एक तरफ सॉल्यूशन फिल करते हैं, तो सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ जाने लगता है। अगर मैं यहाँ पिस्टन से एक प्रेशर लगाऊं जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो, तो ये फ्लो होना रुक जाएगा, लेकिन मैं इसके बाद प्रेशर को और बढ़ाऊं और एक ऐसा प्रेशर लगाऊं जो ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा होगा, तो इस तरफ से इस तरफ जाने लगेगा। ऑस्मोसिस में किस तरफ से किस तरफ जाता है, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की साइड में, और अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर के ज्यादा प्रेशर सॉल्यूशन साइड में लगूंगा तो जो सॉल्वेंट है वो सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ जाने लगेगा। इस प्रोसेस को कहेंगे ऑस्मोसिस का उल्टा प्रोसेस, बोले तो रिवर्स ऑस्मोसिस, और शॉर्ट में नाम होता है आरओ। शायद आपने आरओ वर्ड पहले सुना हो, रिवर्स ऑस्मोसिस ना सुना हो। तो व्हेन वी अप्लाई अ प्रेशर हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑन सॉल्यूशन साइड, डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस गेट रिवर्स, जो ऑस्मोसिस की डायरेक्शन होती है वो रिवर्स्ड हो जाएगी। इसका मतलब वो सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ जाने लगेगा, कौन सॉल्वेंट, इस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। और इसका इस्तेमाल किया जाता है डीसेलाइनेशन ऑफ वाटर, डीसेलाइनेशन मतलब पानी में से सेलाइन चीज हटाना, बोले तो पानी के अंदर से नमक को कम करना। अब करने का तरीका थोड़ा अलग है, अपन क्या करेंगे, एक तरफ सॉल्ट वाटर लेंगे, एक तरफ फ्रेश वाटर लेंगे। अपन पानी में से सॉल्ट हटाने की बजाय सॉल्टी पानी में से पानी पानी निकाल रहे हैं, ठीक है, तो इस तरफ सॉल्टी वाटर इसका मतलब सॉल्यूशन है, इस तरफ फ्रेश वाटर मतलब प्योर सॉल्वेंट है। और यहां पर मैं लगा देता हूं एक ऐसा प्रेशर जो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो, तो इस तरफ से पानी निकल निकल के फ्रेश वाटर की तरफ जाने लगेगा और धीरे धीरे सॉल्टी वाटर में से बहुत सारा पानी निकल के इस तरफ आ जाएगा। ये रिवर्स ऑस्मोसिस है, इससे अपन क्या कर रहे हैं, सॉल्टी वाटर से प्योर वाटर बना रहे हैं, ठीक है। इसके लिए जो SPM का इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी होती है, एक सिंथेटिक मेम्ब्रेन होती है जो सेल्यूलोज एसीटेट की बनी होती है, याद रखिएगा, क्या पता पूछ ले कि रिवर्स ऑस्मोसिस में SPM किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज एसीटेट की। अब ऑस्मोसिस के कुछ एग्जांपल है, एकदम सिंपल, अभी एंडो ऑस्मोसिस एक्जो ऑस्मोसिस पढ़ा था उसी के बेस पे, जैसे कि रॉ मैंगो ले, कच्चा आम ले, और उसे अपन कंसंट्रेट सॉल्ट सॉल्यूशन में रखे तो वो अपना वाटर लूज करके श्रिंक हो जाएगा और अचार लाइक बन जाएगा, ठीक है, पिकल्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई, ये किसकी वजह से हुआ, एक्सोस्मोसिस की वजह से, अगर एक विल्टेड फ्लावर है उसको अपन पानी में रखेंगे तो वापस वो फ्रेश हो जाएगा क्योंकि एंडोस्मोसिस होगा, एंडोस्मोसिस से उसकी सेल क्या हो जाएगी, टर्जिड। अगर मान लो गाजर लेकर आते हैं अपन दुकान से, तो गाजर आपने देखी हो एक दो दिन बाद में थोड़ी सी लचीली सी हो जाती है, तो अगर उस गाजर को अपन वापस पानी में रख दे, प्योर पानी में रख दे, मतलब नॉर्मल टैप वाटर में भी रखेंगे चलेगा, तो वापस वो फूल के मतलब रिजिड सी हो जाती है जैसी वो फ्रेश थी। तो लिम्प कैरेट बिकम्स फॉर्म व्हेन प्लेस्ड इन वाटर, ब्लड सेल कॉलेप्स करेगी कब, जब उन्हें एक ऐसे सॉल्यूशन में रख दें जिसकी कंसंट्रेशन 0.9 m से ज्यादा है। अगेन ये किसकी वजह से होगा, एक्सोस्मोसिस की वजह से। प्रिजर्वेशन ऑफ मीट बाय सॉल्टिंग एंड फ्रूट बाय एडिंग शुगर, और इसका कारण क्या है, ये मैंने अभी बताया, एक्सोस्मोसिस में बैक्टीरियल सेल क्या होती है, श्रिंक हो जाती और डेड हो जाएगी। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इडिमा, पूछते हैं कि इडिमा क्या होता है, तो देखो जो लोग सॉल्टी फूड ज्यादा खाते हैं, जरूरत से ज्यादा खाते हैं और रेगुलर बेसिस पर खाए जा रहे हैं,
उन लोगों के अंदर जो हमेशा जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा रहेगी, ठीक है। अब ऐसे केस में उनकी बॉडी सेल के बीच का जो स्पेस होता है इंटरसेलुलर स्पेस, वहां पर पानी रिटेन कर लेती है ताकि उस सॉल्ट को क्या कर सके, काउंटर कर सके और होमियोस्टेसिस मेंटेन कर सके। ऐसा करने की वजह से उनके इंटरसेलुलर स्पेस में बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा होगा और उस जगह पर स्वेलिंग आ जाएगी, पफिनेस आ जाएगी। इस बीमारी को क्या कहते हैं, इडीमा कहते हैं, ठीक है। तो स्वेलिंग और पफिनेस ड्यू टू रिटेंशन ऑफ वाटर इन टिश्यू सेल और इंटरसेलुलर स्पेस ड्यू टू एंडोस्मोसिस इन पीपल टेकिंग लॉट्स ऑफ सॉल्ट एंड सॉल्टी फूड, ठीक है। तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए, फिर इस पे बेस भी एक दो अपन न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 6 ग्राम यूरिया इन 1 लीटर वॉज फाउंड टू बी आइसोटोनिक विद 0.5 W/V सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ऑर्गेनिक है, इसका मतलब ये एसोसिएट डिसोसिएट नहीं होगा, नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब अपन देखो इसको करते हैं, तो पाई जो यूरिया का आएगा वो ही पाई किसका आएगा, अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड का आएगा, ठीक है। अब दोनों के पाई सेम है, इसका मतलब दोनों के फॉर्मूला सेम लगेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा सीआरटी, इसका भी क्या हो जाएगा सीआरटी, ठीक है। तो आरटी से आरटी तो दोनों कट जाएंगे, तो जो इसकी कंसंट्रेशन आएगी किसकी, यूरिया की, वो बराबर होगी किसके कंसंट्रेशन के, ऑर्गेनिक कंपाउंड के। कंसंट्रेशन कौन सी होती है, मोलेरिटी, तो दोनों की मोलेरिटी सेम करनी है। मोलेरिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, मोल अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। ये तो यूरिया का मोल अपॉन यूरिया का वॉल्यूम, वो बराबर करना पड़ेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड के मोल अपॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड का वॉल्यूम, ठीक है। अब यूरिया के मोल कैसे निकालेंगे, यूरिया का मास, कितना मास होता है यूरिया का, ये दे रखा है क्वेश्चन में 6, और यूरिया का मोलर मास, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO, इससे मोलर मास निकालेंगे तो 60 आ जाएगा, तो ये मोल आ गया। वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर। अब क्योंकि 1 लीटर दे रखा है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का चलते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है मास दे रखा है, कैसे दे रखा है, इनडायरेक्टली, वो कह रहा है कि 0.5 W/V परसेंटेज है, इसका मतलब 0.5 ग्राम तो उसका मास हो जाएगा और 100 ml उसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो ऊपर तो रख देंगे 0.5, मोलर मास अपन को पता नहीं है, वही तो अपन को निकालना है, ठीक है। और वॉल्यूम कितना है 100, और क्योंकि ये ml में है तो ऊपर अपन क्या पुट कर देंगे 1000, ठीक है। तो x निकाल लेते हैं, x कैसे निकालेंगे, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है। ये आ जाएगा नीचे और ये कहाँ चला जाएगा, 60 चला जाएगा ऊपर, तो कितना आ जाएगा अपने 50, और यूनिट क्या होती है मोलर मास की, ग्राम पर मोल, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और लेते हैं चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो कि है अब नॉर्मल मोलर मास। अब आप इसको समझे, देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी अगर जो सॉल्यूट अपन ने सॉल्यूशन में ऐड किया है वो ना तो एसोसिएशन शो करे ना डिसोसिएशन शो करे। बोले तो वो सॉल्यूशन के अंदर जाने के बाद ना तो पार्टिकल्स में डिवाइड हो, आयंस पार्टिकल मतलब डिवाइड नहीं होना चाहिए, और ना ही वो ग्रुपिंग बनाकर कोई ऐसे डाइमर पॉलीमर ऐसा कुछ बनाना चाहिए। तो अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन शो नहीं करता, जनरली ऐसी चीजें इलेक्ट्रोलाइट शो करते हैं। यही वजह है कि आपने देखा होगा अक्सर इस टॉपिक से पहले जो अपने न्यूमेरिकल सॉल्व किए उसमें ऐसा लिखा रहता था नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो या तो सॉल्यूशन में जाने के बाद एसोसिएशन शो करता है या डिसोसिएशन शो करता है। तो अगर सॉल्यूट सॉल्यूशन में एसोसिएशन और डिसोसिएशन शो ना करे तब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी वो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, और उससे जो अपन मोलर मास निकालेंगे वो नॉर्मल मोलर मास होगा। लेकिन अगर जो सॉल्यूट है जो सॉल्यूशन में डालने के बाद एसोसिएशन और डिसोसिएशन शो करेगा तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी वो अब नॉर्मल आएगी। अब इसको समझाता हूँ वो अब नॉर्मल क्यों आएगी। जैसे मान लो कि आपने NaCl को पानी में डाला, ठीक है, और आपने समझने के लिए अपन समझते हैं उसके 100 मॉलिक्यूल डाले, तो अपन किस माइंडसेट में होंगे कि जो आउटपुट आएगा वो 100 मॉलिक्यूल के हिसाब से आएगा, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ नंबर पे डिपेंड करती है, तो अपन यही सोचेंगे कि वो 100 मॉलिक्यूल के हिसाब से आएगा। लेकिन जैसे ही NaCl पानी में जाएगा वो 100 Na+ और 100 Cl- बना देगा, तो कितने पार्टिकल्स हो गए 200।
तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी वो 200 के हिसाब से आएगी, तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अब नॉर्मल हो गई। अब इस अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से अगर मोलर मास निकालेंगे तो वो मोलर मास भी कैसा आएगा, नॉर्मल वैल्यू से अलग आएगा, इसलिए उसे भी क्या कहेंगे, अब नॉर्मल मोलर मास। तो इन केस ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज और डिक्रीज देन ओरिजिनल वैल्यू, सच कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है उसे अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और अगर इससे मोलर मास निकाले तो वो भी एक्चुअल मोलर मास से ज्यादा या कम आएगा, उसे अब नॉर्मल मोलर मास कहेंगे। एकदम सिंपल। अब एक केस लेते हैं जब मॉलिक्यूलर डिसोसिएशन हो रहा है, मतलब जब आप सॉल्यूट पानी में डाल रहे हो या जिस भी सॉल्वेंट में डाल रहे हो उसमें जाने के बाद वो टूट रहा है, तो जैसे ही वो उसमें डालेंगे और टूटेगा तो नंबर ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। एक्चुअल में सॉल्यूट नहीं बढ़ेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो मोल कैलकुलेट मान रहे थे अपन ने जितने मिला है वो ही मानेंगे, लेकिन जो मोल ऑब्जर्व होंगे वो ज्यादा होंगे। ऐसा क्यों, ऑब्जर्व वाले मोल ज्यादा क्यों होंगे, क्योंकि वो उसमें जाके टूट जाएंगे। जैसे मान लो मैंने एक मोल KCl मिलाया था तो मेरे लिए कैलकुलेशन करते समय मैं कितना मोल पुट करूंगा, एक, लेकिन क्योंकि वो अंदर जाएगा तो एक मोल तो K+ बना देगा और एक ही मोल Cl- बना देगा, तो उसने कितने बना दिया, दो मोल। तो जो ऑब्जर्व्ड मोल है वो दो मोल जैसे आ रहे हैं, तो ऑब्जर्व मोल जो होंगे वो कैलकुलेटेड से ज्यादा आ रहे हैं। कैलकुलेटेड वर्ड जो है उसकी जगह आप एक्चुअल वर्ड समझ सकते हो और ऑब्जर्व वर्ड की जगह वो जो आ रहा है, अब वो चाहे अब नॉर्मल है, नॉर्मल है, जो भी है, ठीक है। तो मोल बढ़ेंगे, नंबर बढ़ेंगे, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी। इसका मतलब ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ज्यादा होगी। अब अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा है तो मोलर मास कम आएगा। ऐसा क्यों, मैंने आज ही के वीडियो में आपको बोला है जब मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर कराया था कि मोलर मास के फॉर्मूले में चाहे कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकाला हो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नीचे आती है। इसका मतलब मोलर मास और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही है तो मोलर मास कम आएगा। इसका मतलब ऑब्जर्व मोलर मास कम होगा एक्चुअल या कैलकुलेटेड मोलर मास से, और ये मोलर मास कौन सा होगा, अब नॉर्मल, ठीक है। कम आए या ज्यादा आए दोनों ही अब नॉर्मल होता है। जैसे कि KCl के केस में मान लेते हैं कि KCl का एक मोल डाला और एक मोल के अंदर जितने पार्टिकल्स है सारे डिसोसिएट हो रहे, तो एक मोल K+ का बन गया, एक मोल Cl- का बन गया, तो कितने बन गए, दो मोल। अब देखो ऑब्जर्व मोल जो है वो ज्यादा आ रहा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ज्यादा आएगी और मोलर मास क्या आएगा, कम आएगा। अब कम क्यों आ रहा है उसको आप दो तरीके से समझ सकते हो, पार्टिकल छोटा हो रहा है तो कम ही आएगा, भाई टूटेगा तो पार्टिकल क्या हो जाएगा, छोटा। तो कितना आ रहा है, आना तो चाहिए था 74.5 और आता है 37.25। अगर आप इसको थोड़ा आउटपुट निकालने की कोशिश करेंगे कि 37.25 ही क्यों आया, तो ये इसका हाफ है, और हाफ क्यों है, क्योंकि एग्जैक्ट कितने टुकड़े हुए थे, दो टुकड़े हुए थे, तो इसको दो से डिवाइड कर दिया, ठीक है। कहने का मतलब है कि जब डिसोसिएशन होता है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो बढ़ती है और मोलर मास घटता है। अब इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर एसोसिएशन, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन में क्या होगा इसको समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CH3COOH मतलब CH3COOH इथेनोइक एसिड या बेंजोइक एसिड भी दे सकते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर ये मैं वाटर में दूं तो वो डिसोसिएशन शो करेगा, क्या शो करेगा, डिसोसिएशन। लेकिन यही दोनों कंपाउंड जैसे कि यहाँ CH3COOH लिखा हुआ है, C6H5COH भी लिखा हो सकता है, अगर वो बेंजीन में दे तो फिर वो क्या शो करेगा, एसोसिएशन। तो आप ध्यान रखें, कभी कभी जल्दबाजी में गलत कर सकते हैं। CH3COOH एसिटिक एसिड पानी में डिसोसिएशन शो करता है ना कि एसोसिएशन। एसोसिएशन कब शो करेगा, जब वो बेंजीन में घुला जाएगा। बेंजीन में घुलते समय इसके एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे और एक डाइमर बन जाएगा। तो अगर मैं दो मोल इसके मिलाता हूं तो बाद में कितना रहेगा, सिर्फ एक ही मोल बन जाएगा। कितना मोल बन जाएगा, एक मोल बन जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, देखो नंबर ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर इस केस में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब ऑब्जर्व्ड मोल जो कि इस केस में एक है, और कैलकुलेटेड मतलब अपन ने कितने मिलाए थे, दो मोल, तो ऑब्जर्व्ड मोल जो है कैलकुलेटेड से कम हो गया। इसकी वजह से जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी वो भी कम आएगी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम आएगी तो मोलर मास क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो ऑब्जर्व मोलर मास कैलकुलेटेड या एक्चुअल मोलर मास से ज्यादा आएगा, और ये भी कैसा होगा, अब नॉर्मल मोलर मास होगा। आप ये अलग से याद रखें, 2CH3COH बेंजीन में
एसोसिएशन शो करता है, डाइमर का स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है, कारण भी पूछा जा सकता है कि एसोसिएशन क्यों शो करता है, क्योंकि वो क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब वॉन्ट ऑफ करके एक साइंटिस्ट थे, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, प्रॉब्लम क्या है। जैसे अगर मैं डेल्टा टीबी निकालूं, अपन किससे निकाले डेल्टा टीबी, निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, के बी और एम, ठीक है। तो अगर इस वाले से मैं कैलकुलेट करूं तो वो आंसर अपना एक्चुअल वैल्यू होगी, और ऑब्जर्व वैल्यू जो प्रैक्टिकली आ रही है वो कुछ अलग आ रही है। तो वॉन्टहॉफ ने वो जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है उसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूले में ट्विस्ट किया। तो टू कैलकुलेट अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या फिर ऐसे अपन कह सकते हैं ऑब्जर्व वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वॉन्टहॉफ ने एक फैक्टर दिया, जिसे क्या बोला गया, आई वॉन्टहॉफ फैक्टर। और वो कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बिफोर, उनका रेशियो निकालना है। जैसे मान लो NaCl जब पानी में डालते हैं, एक्वस लिखा हुआ देखो, NaCl को जब पानी में डालते हैं और उसके लिए मैं आई निकालना चाहता हूं, तो NaCl का एक मॉलिक्यूल पकड़ो, उसे पानी में डिजोल्व करेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस कितने बन जाएंगे, दो। तो आफ्टर डिसोसिएशन कितने बन रहे हैं, दो, और पहले कितना था, एक, तो 2/1 कितना जाएगा, 2। तो इसलिए NaCl aqueous के लिए I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। MgSO4 के लिए कितनी हो जाएगी, 3। क्यों, एक Mg+2 बनेगा, सॉरी दो Mg+2 बन जाएगा, MgSO4 देखो इसके लिए भी 2 ही आएगा, 3 नहीं आएगा। देखो MgSO4 को जब अपन पानी में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, एक तो बन जाएगा Mg+2 और एक क्या बन जाएगा, SO4-2, इसके लिए भी क्या आएगा, 2। फिर अपन कर रहे हैं K2SO4, K2SO4 को करेंगे तो 2K+ आ जाएगा और एक SO4-2 आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 3। AlCl3 को डिसॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक तो आ जाएगा Al+3 और 3 क्या बन जाएंगे, Cl-, टोटल कितने हो जाएंगे, 4। तो 4 नीचे तो अपन को एक ही रखना है। और CH3COH इन बेंजीन, देखो ये अच्छे से ध्यान रखना, CH3COH इन H2O दे तो ये भी डिसोसिएशन शो करेगा, तो ये भी 2/1 करेंगे अगर 100% डिसोसिएशन माने तो, ठीक है। लेकिन CH3COH अगर बेंजीन में डिसॉल्व किया जाए तो डिसॉल्व करने से पहले उसके कितने मॉलिक्यूल लिए थे, मान लेते हैं कि 2 मॉलिक्यूल लिए, बाद में वो एसोसिएशन करके एक यूनिट बना लेता है, तो बाद में एक पहले 2, तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू भी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है किसी भी कंपाउंड के लिए, कि वो एसोसिएशन डिसोसिएशन के हिसाब से देख ले। तो अब अपन आई निकालने के बाद ऑब्जर्व वैल्यू कैसे निकालेंगे, आई इंटू कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब जो फॉर्मूले थे उन सब के आगे अपन क्या लगा देंगे, आई लगा देंगे। तो अब उस फॉर्मूले से आंसर वही आएगा जो अपन ऑब्जर्व करेंगे, हालांकि अब फॉर्मूले से जो वैल्यू आएगी वो सही वैल्यू नहीं होगी, लेकिन एटलीस्ट अपन पता तो कर सकते हैं कि कितनी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला था XB, उसकी जगह IXB हो जाएगा। डेल्टा टीबी का फॉर्मूला था KB × M, अब IKB × M हो जाएगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का था KFM, अब IKFM हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर का ICRT जगह ICRT हो जाएगा। एक इसी फॉर्मूले से भी आई का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, इससे तो आई निकाल ही सकते हैं, एक और तरीका आई निकालने का, इसको इसके नीचे भेज दो, तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और नीचे क्या हो जाएगा, कैलकुलेटेड या एक्चुअल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और मोलर मास के केस में ये फॉर्मूला फ्लिप कर देंगे, कैलकुलेटेड मोलर मास या एक्चुअल या नॉर्मल मोलर मास ऊपर रखेंगे, और ऑब्जर्व मोलर मास या अब नॉर्मल मोलर मास का रखेंगे नीचे रखेंगे, उससे भी अपन क्या निकाल सकते हैं आई। तो आई निकालने के 3 फॉर्मूले हैं। जनरली अपन को कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, ये वाला, क्योंकि ये अपन खुद गैस कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑब्जर्व्ड और ये डेटा दे रखे हो तो आई इन फॉर्मूले से भी अपन निकाल सकते हैं। एक बार आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अभी अपन ने आई डिस्कस किया था, अब देखो आई की मीनिंग क्या है। अगर आई की वैल्यू 1 आएगी तो इसको अपन समझेंगे कि ना तो एसोसिएशन हो रहा है ना डिसोसिएशन हो रहा है, इसका मतलब ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बराबर होगी, जो मोलर मास निकलेगा ऑब्जर्व से वो नॉर्मल होगा। अगर आई की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी तो इसे अपन डिसोसिएशन समझेंगे, इस केस में ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा आएगी कैलकुलेटेड या एक्चुअल वैल्यू से, और ऑब्जर्व मोलर मास जो होगा वो एक्चुअल से कम आएगा और वो कैसा होगा, अबनॉर्मल, ठीक है। और नेक्स्ट है कि अपने आई की वैल्यू 1 से कम होगी तो ये एसोसिएशन है, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड या एक्चुअल वाले से कम होगी, और यहाँ पर जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास होगा, ठीक है,
अब जब मोलर मास आएगा वो ज्यादा आएगा, और ज्यादा आएगा तो अभी वो कैसा होगा, अब नॉर्मल होगा, कैसा होगा, अब नॉर्मल, ठीक है, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं। अब देखो नेक्स्ट अपने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट फॉर वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट दे रखा है, 5 ग्राम Na2SO4 दे रखा है, वो कह रहा है उसे डिजोल्व करते हैं, 45 ग्राम H2O में द फ्रीजिंग पॉइंट इज चेंज्ड बाय इतना दे रखा है, मतलब ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अपन को दे रखा है, ठीक है, और अपन को वांट ऑफ फैक्टर निकालना है। तो क्यों ना फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का फॉर्मूला लगा देते हैं, नॉर्मली फॉर्मूला होता है KFF, वांट ऑफ फैक्टर निकालना है, तो अपन ने आई निकाल दिया, ठीक है। अब अपन को सिंपल सा क्या करना है, आई इक्वल टू क्या करेंगे, डेल्टा TF और नीचे क्या आ जाएगा, KF इंटू M, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा निकालना, डेल्टा TF की वैल्यू क्वेश्चन ने पहले ही प्रोवाइड करवा दी, 3.82 डिग्री सेंटीग्रेड है। KF की भी वैल्यू अपन को क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी दे रखी है, -1.86 डिग्री सेंटीग्रेड, देखो ये अपने यहाँ पे ये भी दे रखी है, ठीक है। अब पीछे क्या बचा, मोलेलिटी, तो मोलेलिटी निकालने के लिए अपन को क्या निकालना पड़ेगा, मोल, मोल निकालने के लिए अपन को मास चाहिए, तो देखो Na2SO4 का मास दे रखा है, कितना दे रखा है, 5, और मोलर मास अपन Na2SO4 का फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, Na का 23 होता है, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, इन सबको सॉल्व करेंगे तो 142 आ जाएगा, ठीक है। ये तो आ गया अपने मोल, नीचे क्या पुट करते हैं, सॉल्वेंट का मास, सॉल्वेंट का मास देखो क्वेश्चन में दे रखा कितना है, 45 ग्राम, तो ये अपन ने सॉल्वेंट का मास, क्योंकि वो ग्राम में है तो अपन किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 1000 से, ठीक है। अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा अपने 2.62, कोई तकलीफ नहीं। अब देखो एक टॉपिक और है अपने के, रिलेशन बिटवीन आई एंड अल्फा, क्या टॉपिक है नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन आई एंड अल्फा। अब इसमें से आई क्या है, वो है वांट ऑफ फैक्टर, और अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखो ध्यान से सुनो, जैसे NaCl के लिए आई अपन 2 लिखते हैं, लेकिन ये 2 तब लिख पाएंगे जब अपन को पता है कि 100% डिसोसिएट हो रहा है। अगर 100% डिसोसिएट ना हो, जैसे मान लो NaCl है वो सिर्फ 50% ही डिसोसिएट हो, तो फिर आई की वैल्यू अपन 2 नहीं लिख पाएंगे। तो एक रिलेशन निकालना है आई और अल्फा। अब इधर से क्या, मैं आपको एक एक बार ऐसे डमी रिएक्शन लेके डिसोसिएशन और एसोसिएशन समझा रहा हूँ, इसके जो आई और अल्फा का रिलेशन का जो फॉर्मूला है वो आपको याद नहीं करना है, वो आप जो क्वेश्चन हो उस क्वेश्चन पे डायरेक्ट अप्लाई करके करें। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आप देख लें, यहाँ पे मैं सिर्फ समझाने के लिए करवा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मान लो कि एक कोई कंपाउंड है An, ठीक है, और वो डिसोसिएशन शो कर रहा है और N स्मॉल a में कन्वर्ट हो रहा है। अब ऐसे केस में अगर कोई क्वेश्चन आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आई के बीच में, तब अपन क्या करेंगे, तो स्टार्टिंग में जो रिएक्शन हो वो रिएक्शन ऐसे लिख लें, उसके बाद यहाँ पे लिखे 1 और यहाँ पे लिखे 0, क्योंकि सरूप में तो प्रोडक्ट तो बनेंगे नहीं। अब यहाँ में से अल्फा माइनस करेंगे और ये अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। अब बस याद ये रखना, अगर यहाँ अल्फा माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी कुछ बनेगा, यहाँ पर आपको पहले तो अल्फा लिख देना है और फिर जो आगे जो टर्म लिखी हुई है वो की वो लिख देनी है एन अल्फा। अगर यहाँ 2 होता तो 2 अल्फा, 3 होता तो 3 अल्फा, हाफ होता तो हाफ अल्फा, ठीक है। और ये जो इस लाइन के ऊपर है ये अपने डिसोसिएशन के पहले, ये डिसोसिएशन के बाद, तो डिसोसिएशन के पहले टोटल मॉलिक्यूल कितने, 1 + 0 1 है, डिसोसिएशन के बाद टोटल मॉलिक्यूल कितने, 1 - α + nα, ठीक है। अब अपन को आई निकालना है, तो आई कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आफ्टर डिसोसिएशन कितना आ रहे है, 1 - α + nα, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बिफोर कितना था, 1, तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 - α + nα हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन हो गया, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं आगे, लेकिन अपने जब कोई एक न्यूमेरिकल होगा उसमें वैल्यू दे रखी होगी तो उसमें आपको n की भी वैल्यू मिल जाएगी। जैसे मान लो NaCl है, तो NaCl के लिए क्या हो जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस हो जाएगा, तो 1 और 1 n कितना हो जाएगा, 2, तो आप कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको पैटर्न को समझना, ना कि ये फॉर्मूला याद कर लेना। यही अगर एसोसिएशन का होता तो क्या होता, Na मॉलिक्यूल से स्टार्ट करता और बाद में An बन जाता, ठीक है। अब इसके कितने मॉलिक्यूल है स्टार्टिंग में, 1, इसके कितने होंगे, 0,
इसमें से कितना माइनस होगा अल्फा, तो इसका कितना बन जाएगा अल्फा अपॉन एन। अब ये ऐसा क्यों किया, इसको देखो एकदम सिंपल से एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। जैसे कि मान लो कि ये 2a था, ठीक है, और बाद में ये एक डाइमर बना दे a a a, तो स्टार्टिंग में अपन इसका कितना लेंगे 1, इसका कितना लेंगे 0। अगर इसमें से अपन अल्फा घटाएंगे तो ये कितना बनेगा, आधा ही तो बनेगा, ठीक है। आप नहीं हो तो इसको एक कर लो, तो इसको क्या कर देंगे आधा। अब देखो आधा ही बनेगा ना, तो अगर मैं इधर एन अल्फा ना एन ए ना लिखकर सिर्फ ए लिखता तो ए एन की जगह क्या लिखना पड़ता, 1/n लिखना पड़ता, इसलिए ये कर दिया, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ बिफोर, बिफोर कितना होगा 1+0 1, और टोटल नंबर ऑफ आफ्टर तो 1 - α + α n। अब i की वैल्यू क्या होगी, 1 - α + α/n, और नीचे क्या होता हो जाए 1, इस वाले तरीके से। देखो ये जो है ये कोई फॉर्मूले नहीं है, मेरी बात समझिए आप। अगर डिसोसिएशन हो तो जो रिएक्शन हो यहाँ पर 1 लिखें या 0 लिखें, या अल्फा घटाएं, चाहे एसोसिएशन डिसोसिएशन दोनों सेम है, या 1 - α करेंगे तो या एन अल्फा जाएगा, या आगे क्या लिखेंगे वही लिखेंगे जो यहाँ आगे नंबर होगा। जैसे अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करूंगा जिसमें मैं आपको कहूंगा कि C6H5OH का जो होता है डाइमर बन रहा है, तो डाइमर बनेगा तो 2 से 1 बनेगा, तो यहाँ 1 लिखोगे तो यहाँ आगे कितना लगाना पड़ेगा, आधा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं स्टार्टिंग में इसका 1 ले रहा हूँ तो इसका 0, इसमें से अगर अल्फा घटाऊंगा तो इसका कितना बनेगा α/2, क्योंकि आगे ये, ठीक है। यही वाली रिएक्शन में देखो ये ए था, इसको मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ से अल्फा घटाया तो इसके आगे 1/n था, तो α/n बन गया। इधर से अल्फा घटाया या एन अल्फा क्यों लिखा, क्योंकि आगे एन था। तो ये आप इस पैटर्न में करें, इन फॉर्मूलों को याद ना करें, ठीक है। नेक्स्ट देखो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन दे रखा है कि 0.1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ वीक एसिड। अब वीक एसिड है तो पूरी तरीके से तो वो क्या नहीं होगा, डिसोसिएट नहीं होगा, तो कितना हो रहा है वो दे रखा है कि वो 30% आयोनाइज होता है, ठीक है। इफ के फॉर वाटर ये दे रखा है, और कह रहा है कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा वो अपन को बताना है। तो सबसे पहले अपन को आई निकालना पड़ेगा, ऐसा क्यों इसको मैं समझाता हूँ। देखो अगर ये क्वेश्चन ये एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं दे रखा होता, अपन को फ्रीजिंग पॉइंट निकालने को कहते हैं, तो अपन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे निकालते, डेल्टा टी एफ निकालता। डेल्टा टी एफ निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करता, के एफ और एम। क्वेश्चन में के एफ दे रखा है, क्वेश्चन में एम दे रखा है, जिंदगी आसान होती। लेकिन क्योंकि यहाँ दे रखा है कि सिर्फ 30% ही आयोनाइज होगा और वो आयोनाइज भी हो रहा है, इसलिए अपन को आगे क्या लगाना पड़ेगा, आई लगाना। अब आई लगाना पड़ेगा तो आई की वैल्यू चाहिएगी, तो पहले अपन आई की वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए अपन क्या करते हैं, ये लिखा एच ए, ठीक है, यहाँ पे लिखा एच प्लस, और यहाँ क्या लिखा ए माइनस, ठीक है। स्टार्टिंग में इसका कितना लेंगे 1, इसका कितना लेंगे 0, इसका कितना लेंगे 0, ठीक है। इसमें से अपन कितना माइनस करेंगे अल्फा, मैंने क्या बोला था यहाँ स्टोइकोमेट्री जो लिखी हुई है उसको मल्टीपल कुछ नहीं लिखी, तो 1, तो 1 * अल्फा, अल्फा ये भी अल्फा, ठीक है। अब अपन आई निकालेंगे, आई क्या होता है, ऊपर रखते हैं आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन कितने मॉलिक्यूल है, तो 1 - α + α + α, इसको और इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। और नीचे कितना लिखेंगे 1 + 0 + 0, अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो ऊपर तो बचेगा 1 + α और नीचे बचेगा 1, तो क्या रिलेशन आ गया, I = 1 + α आ गया। अब वो क्वेश्चन में खुद कह रहा है कि अल्फा की वैल्यू दे रखी है 30% डिसोसिएट हो रहा है, 30% का मतलब है 0.3, तो ये रख दिया 0.3, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई 1.3, और 1.3 आ रही है इसका क्या मतलब है, वो डिसोसिएट हो रहा है, क्योंकि एक से ज्यादा तभी आती है। अब अपन इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, आई की वैल्यू कितनी लेंगे 1.3, Kf की वैल्यू कितनी दे रखी है, क्वेश्चन दे रखी है 1.86, और m की भी वैल्यू दे रखी है 0.1। डेल्टा Tf की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ओरिजिनल फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। इन सबको सॉल्व कर लेंगे, इन सबको सॉल्व करेंगे तो 0.2418 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यूनिट देखो डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखी है, इसका मतलब ये भी किसमें आएगा डिग्री सेंटीग्रेड में, ये अगर केल्विन में दे रखा था केल्विन में आता, यूनिट का ध्यान रखें आप। अब अपन सब जानते हैं एक्वस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट कौन रहा होगा, वाटर, और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, अगेन ये भी अपन डिग्री सेंटीग्रेड में पुट कर रहे हैं क्योंकि सब डिग्री सेंटीग्रेड में चल रहे हैं, तो 0 होता है फ्रीजिंग पॉइंट, तो -Tf =
0.2418 डिग्री सेंटीग्रेड, तो TF इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस उधर भेज देंगे माइनस 0.2418 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो है इसमें दे रखा है कि 2 ग्राम बेंजोइक एसिड डिसॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन। इसका मतलब ये सॉल्यूट हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया। तो सॉल्यूट का मास बोले तो WB 2 ग्राम है और सॉल्वेंट का मास बोले तो WA 25 ग्राम है। ठीक है, आगे अपन को डेल्टा TF की वैल्यू दे रखी है, KB की वैल्यू दे रखी है, ये दोनों दे रखी है, आपके NCERT का ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब वो आगे पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन। इसका मतलब इसमें भी अपन को अल्फा, मैंने यहाँ एक्स लिख दिया, अल्फा निकालना है। ठीक है आपको, और वो कह रहा है कि वो डाइमर बनाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को आई की वैल्यू चाहिए। अब आई अल्फा से निकाल सकते हैं लेकिन इस क्वेश्चन में अल्फा भी निकालना है, तो अल्फा और आई दोनों में से तो अपन को एक मालूम होना चाहिए, तो आई को अपन को किसी दूसरे तरीके से निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, तो देखो अपन क्या करते हैं, डब्ल्यू बी दे रखा है, डब्ल्यू ए दे रखा है, डेल्टा टी एफ दे रखा है, के एफ दे रखा है, तो इससे अपन मोलर मास निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, मोलर मास फॉर्मूले में पुट करते हैं, मोलर मास आ जाएगा। क्योंकि अपन जानते हैं कि ये डाइमर बना रहा है, इसका मतलब ये मोलर मास कौन सा है, अब नॉर्मल। एक्चुअल मोलर मास क्या होगा वो अपन फाइंड कर लेते हैं। किससे फाइंड करेंगे, अपन को दे रखा है बेंजोइक एसिड, तो C6H5COOH इस वाले फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे, तो आंसर आएगा 122। तो ये तो हो गया नॉर्मल मोलर मास, ये हो गया अब नॉर्मल मोलर मास। क्या आई मैं इनसे निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। आई के फॉर्मूले थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, तो क्या होता है ऑब्जर्व ऊपर रखते हैं और नॉर्मल नीचे रखते हैं, और मोलर मास के केस में क्या होता है उल्टा करते हैं, नॉर्मल ऊपर रखते हैं ऑब्जर्व नीचे रखते हैं। तो ये पुट कर दिया, आंसर आ जाएगा 0.504। अब देखो यहाँ पर ये गलती ना करें कि आप राउंड ऑफ में 0.50 ले लें, अगर ये लोगे तो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन 100% आ जाएगा। तो पूरी वैल्यू लेके क्वेश्चन सॉल्व करें। अब ये अपने क्या बना रहा है, डाइमर बना रहा है, तो यहाँ देखो 2 था, यहाँ पर ये बना दिया। अगर यहाँ पर 1 होता तो यहाँ कितना लेते हैं, 1/2 ही लेते ना, तो स्टडी में इसका 1 लिया तो इसका कितना बना 0। इसमें से अल्फा माइनस कर लो, एक्स माइनस कर लो, सिंबल तो कुछ भी यूज कर लो, तो ये कितना रहेगा x/2। आई कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर आफ्टर, टोटल नंबर बिफोर। आफ्टर कितने, 1 माइनस एक्स प्लस x/2, और बिफोर कितना था 1, तो ये आ गया। तो आई की वैल्यू अपन यहाँ से पुट कर देंगे, 1 माइनस x/2, एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, कितनी आ जाएगी 0.992। इसका मतलब 99.2% क्या हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और लेते हैं एक क्वेश्चन लेते हैं कि फिनॉल जो है वो एसोसिएट हो रहा है बेंजीन के अंदर, और डिग्री ऑफ एसोसिएशन जो है वो अपन को दे रखी है 40%, और अपन को कह रहा है कि वांट ऑफ फैक्टर निकालो। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये लिखेंगे। ठीक है, ये जो रिएक्शन है वो अपन क्या करेंगे, वापस लिखेंगे C6H5OH। ठीक है, और हाफ C6H5OH होल ट्वाइस। तो अगर स्टार्टिंग में इसका एक मॉलिक्यूल लेंगे तो इसका कितना होगा 0। अब एसोसिएशन होने के बाद इसमें से मान लेते हैं कि अल्फा जो पार्टिकल है वो एसोसिएट हो रहा है, तो ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन होगी, तो इसका कितना रहेगा अल्फा बाय 2। जो आगे जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करा देना, इधर आगे 2 हो तो 2 अल्फा लिख देते हैं, हाफ है तो हाफ अल्फा लिख देते हैं। ठीक है, अब अपन निकालते हैं आई। आई कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आफ्टर एसोसिएशन और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बिफोर। एसोसिएशन के बाद में टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2, और एसोसिएशन से पहले कितने थे, 1 प्लस 0। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा बाय 2, और इसका कितना हो जाएगा 1। 1 आप लिखो चाहे मत लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। अब अपन को क्या निकालना है, अल्फा निकालना है, अल्फा निकालना है। ठीक है, और इसमें अल्फा दे रखा है, कितना दे रखा है, अल्फा दे रखा है 40%। 40% बोले तो 0.4। ठीक है, तो पुट कर देते हैं, तो आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा की जगह 0.4 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.2, कितना जाएगा 0.8। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सॉल्यूशन दे रखा है Na2SO4 का, उसकी एक कंसंट्रेशन दे रखी है, और एक सॉल्यूशन दे रखा है ग्लूकोज का, और उसकी भी एक कंसंट्रेशन दे रखी है। ठीक है, और वो कह रहा है कि उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी है किसकी, Na2SO4 की।
अपना जो मेन पॉइंट है वो है आइसोटोनिक। ये कह रहा है ये दोनों सॉल्यूशन आइसोटोनिक है, इसका मतलब Na2SO4 या Na लिख देता हूं, Na2SO4 का जो पाई होगा वो बराबर होगा किसके, यूरिया के। ठीक है, अब दोनों के लिए फॉर्मूला लगाते हैं CRT और इसके लिए भी CRT। आप चाहो तो दोनों का फॉर्मूला ही ICRT यूज कर सकते हो। I की जगह अपन को क्या पुट करना होगा, वॉन्ट ऑफ फैक्टर पुट करने होंगे। ठीक है, अब Na2SO4 का तो I अपन को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वो अपन क्या करते हैं, यहां पर I की जगह I लिखते हैं, C पहले की कंसंट्रेशन C1 लिख देते हैं, R और T ऐसे कैसे लिख देते हैं। यूरिया सॉरी ग्लूकोज जो है, ये यूरिया नहीं है, इधर ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है वो पानी के अंदर क्या नहीं होगा, ना तो एसोसिएट होगा ना डिसोसिएट होगा, तो उसका आई कितना होगा, 1, तो आप हटा दो और कंसंट्रेशन उसकी अलग है तो C2RT कर देते। ठीक है, RT से RT क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, आई निकालना है अपन को तो आई क्या हो जाएगा, C2 upon C1। ठीक है, क्या आ जाएगा, C2 upon C1। अब C2 देखते हैं, C2 कितना है, C2 है दूसरी वाली कंसंट्रेशन कितनी है, 0.01, और C1 क्या है, पहले वाली कंसंट्रेशन कितनी है, 0.004। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो अपन कितना आ जाएगा, ये अपने हो जाएगा 10/4, बोले तो I कितना आ गया, 2.5, कितना आ गया, 2.5। अगर आप में से किसी को ऐसा हो कि सर I तो डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, Na2SO4 है उसको कर देंगे, लेकिन वो तब कर सकते हैं जब अपन को क्वेश्चन में ये दे रखा हो कि वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, ऐसा कुछ दे नहीं रखा। ठीक है, और अपन को पूछ भी रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। अब अपन क्या करेंगे, Na2SO4 इसके डिसोसिएशन का लिखेंगे पैटर्न, तो 2Na+SO4-2। ठीक है, अब अगर मैं इसका एक लेता हूं तो ये कितना बनेगा, 0, ये भी कितना बनेगा, 0। अगर इसमें से अल्फा, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इस केस में एसोसिएशन था, इस केस में डिसोसिएशन, तो ये कितना बनेगा, 2 अल्फा। मैंने क्या कहा, आगे जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई कर दो, इसके आगे कितना है, कुछ नहीं है, तो ये भी अल्फा। अब अपन आई निकालते हैं, आई कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आफ्टर डिसोसिएशन और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बिफोर। आफ्टर डिसोसिएशन कितने है, 1 - α + 2α + α, और पहले कितना था, 1 + 0 + 0, तो कितना रहेगा, अल्फा से अल्फा कट जाएंगे, 1 + 2α / 1। ठीक है, इसके आगे का मैं यहां लिख देता हूं, I की वैल्यू अपन को पता है कितनी है, 2.5, कितनी है, 2.5, और ये आ गया 1 + 2α, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.5 - 1/2। ठीक है, तो 1.5/2, तो अल्फा कितना आ गया, 0.75, और अगर परसेंटेज के हिसाब से अल्फा निकालेंगे तो कितना जाएगा, 75%। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट देखो, अपना टॉपिक है कंपैरिजन करना, किसको, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को। ऐसे ये नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे कि ये दे रखे हैं कि ये तीनों इक्विमोलर है, बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट के हिसाब से अरेंज करो, ये कह रहा है कि NaCl और यूरिया इक्विमोलर, आइसोटोनिक क्यों नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में अपन को कंपेयर करना होता है। तो कंपेयर करते समय पहले देखना है कि क्या कंसंट्रेशन सेम है, तो अपन आंसर देंगे आई के बेसिस पर। क्या आई सेम है, तो आंसर देंगे कंसंट्रेशन के बेसिस पर। क्या दोनों अलग है, तो अपन आई और कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के बेसिस पर आंसर देंगे। अगर कंसंट्रेशन सेम है तो आई देखेंगे, जिसका आई ज्यादा आएगा उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या आएगी, ज्यादा आएगी, और जिसका आई कम आएगा उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम आएगी। अगर आई सेम है तो कंसंट्रेशन देखेंगे, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा, जिसकी कंसंट्रेशन कम उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम। अगर दोनों ही अलग है तो आई इंटू कंसंट्रेशन की वैल्यू देखेंगे, अगर वो ज्यादा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा, अगर आई इंटू कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट कम तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो ज्यादा होने का क्या मतलब है, इसको अच्छे से समझना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा इसका मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बढ़ेगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। यहां तक तो सब सेम है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा तो ये सब ज्यादा, लेकिन एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का क्या, सॉरी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का क्या मतलब है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बढ़ने का क्या मतलब है, वेपर प्रेशर घट रहा है क्योंकि वो लोअर हो रहा है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी बढ़ रही है, इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है। तो अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ती है तो इसको अपन मानेंगे वेपर प्रेशर में कमी, तो वेपर प्रेशर घट रहा है,
बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ रहा है। देखो क्वेश्चन देखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है कि अरेंज इक्विमोलर NaCl, MgCl2, AlCl3 और यूरिया। अब इन सब में देखो इक्विमोलर दे रखा है, इसका मतलब कंसंट्रेशन सेम है, तो आंसर किसके बेसिस पर देंगे, आई के बेसिस पर। आई निकालता है, इसका आई कितना आएगा 2, इसका आई कितना आएगा 3, इसका आई कितना आएगा 4 और इसका आई कितना आएगा 1। ठीक है, अब आई के हिसाब से जिसका आई ज्यादा आएगा उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा आएगी, अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा आएगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा किसका आएगा, AlCl3 का, उसके बाद किसका आएगा अपने MgCl2 का, उसके बाद किसका आएगा अपने NaCl का, और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका, यूरिया का। अब फ्रीजिंग पॉइंट पे देते हैं, अब फ्रीजिंग पॉइंट में देखो ध्यान से, जिसका आई ज्यादा होगा उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा, इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है। तो जिसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा आएगी या जिसका आई ज्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो इधर सबसे ज्यादा आई किसका था, AlCl3 का, तो सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, AlCl3 का। सबसे कम आई किसका था 1, इसका मतलब सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, यूरिया, उसके बाद क्या होगा NaCl, उसके बाद क्या होगा MgCl2। ठीक है, और यही अगर वेपर प्रेशर का पूछता तो भी ऐसे ही चलता, वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट के केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ने का मतलब इनमें कमी हो रही है। नेक्स्ट है इक्विमोलर NaCl और यूरिया जो है वो आइसोटोनिक नहीं है, क्यों, इसका कारण बताना है। तो देखो NaCl और यूरिया आइसोटोनिक है, मतलब इक्विमोलर है, तो पहले इनका पाई निकाल लेते हैं। तो पाई निकालने के लिए क्या फॉर्म लिखेंगे, ICRT। इसका यूरिया के लिए भी फॉर्मूला लगा देते हैं ICRT। ठीक है, अब जब NaCl का निकालेंगे तो आई कितना पुट करेंगे, 2, क्योंकि Na प्लस और Cl माइनस में टूटता है, तो आंसर कितना आ गया, 2CrT। और यूरिया जो है वो तो मतलब एसोसिएट डिसोसिएट होता नहीं है, तो उसके लिए आई कितना होगा, 1, तो कितना आंसर आ जाएगा, CrT। तो एक के लिए आंसर तो आ रहा है 2CrT, एक के लिए आ रहा CrT। क्या दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, नहीं आ रही। अगर दोनों की वैल्यू सेम नहीं आ रही, पाई NaCl इक्वल नहीं है पाई यूरिया के, तो फिर वो आइसोटोनिक भी नहीं है। ठीक है, नॉट आइसोटोनिक, ये हाइपरटोनिक होगा और ये कैसा होगा, हाइपोटोनिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 0.1 mNaCl और 0.01 mNaCl, फ्रीजिंग पॉइंट के हिसाब से अरेंज करो। इस बार देखो NaCl सेम दे रखा है, NaCl सेम दे रखा मतलब आई सेम है, कंपाउंड सेम, तो आई सेम, और कंसंट्रेशन अलग अलग है। तो इन दोनों में देखो इस वाले की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा है, इस वाले की कंसंट्रेशन जो है वो क्या आ रही है, कम आ रही है। कंसंट्रेशन ज्यादा आ रही है इसका मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा, कंसंट्रेशन कम आ रही है इसका मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसकी ज्यादा आ रही है, इसका क्या मतलब है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा आएगा, और इसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या आएगा, कम। डिप्रेशन है इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट इसका बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, इसका थोड़ा कम होगा, मतलब कंपैरेटिवली इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम आएगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा आएगा। कहने का मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर का विशेष ध्यान दें, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा आने का मतलब कम हो रहा है, तो इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा आ रही तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, तो इसके साथ अपने आज का टॉपिक और ये चैप्टर पूरा होता है अपने। उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप साथ में जो DPP प्रोवाइड करवाई जा रही है वो अच्छे से मिला रहे होंगे। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।